अस्सलाम वालेकुम सबास विस क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह फ़िश सूखा मसाला की रेसिपी बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही यूज़फुल है आपके डेली मेन्यू के लिए और साथ ही दावतों के लिए भी आपको ये काम आ सकती है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखें। तो चलिए इसे अब हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम 350 ग्राम मछली लेंगे, चपटे चपटे पीसेस लीजिए, जिस पर आप नमक और थोड़ा सा नींबू लगा लीजिए। यानी एक नींबू लगाना है हमने और थोड़ा सा नमक लगाना है और आपने इस पर 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा डालकर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और उसके बाद आप इस पर डाल दीजिए 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। ठीक है, हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। उसके बाद आप इस पर 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, बस मछली को हल्का सा लगना चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 कटे हुए टमाटर हैं और ये हमारे पास 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, साबित काली मिर्च हमने लिया है, और 1 टेबलस्पून हमने अदरक ली है और साथ ही हमने 1 टीस्पून गार्लिक लिया है, लहसुन लिया है, और 2 टेबलस्पून हरा धनिया है, और देखिए ये 1 टेबलस्पून साबित धनिया है। तो इन सभी को मिलाकर हम पीस लेंगे। इसका हमने बारीक पेस्ट बना लेना है। ठीक है, तो हम इसे पीस कर एक साइड रखेंगे। पीसते वक्त हम इसमें 2 टीस्पून तिल भी ऐड कर लेंगे। तिल डालकर हमने इसे पीस लिया है, पीस कर इसे एक साइड रख लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए और फ़िश को आप फ्राई कर लीजिए। फ़िश को आप थोड़ा क्रिस्पी फ्राई करके निकाल लीजिए। ठीक है, हमने फ़िश को हाई फ्लेम पर क्रिस्पी फ्राई करके निकाल लेना है। कॉर्नफ्लावर की वजह से फ़िश काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी और इसे जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाती है आप इसे बाहर निकाल लें और एक साइड रख लें। ठीक है, अब थोड़ा तेल कम करिए और फिर उसके बाद इसमें कटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड कीजिए और साथ ही थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल दीजिए। और कड़ी पत्ते हमने इसमें डाल दिए, उसके साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसमें डाल दीजिए पिसा हुआ मसाला। पिसा हुआ मसाला जो हमने इसमें बनाया था वो हमने ऐड किया और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लीजिए। मीडियम फ्लेम पर हम यहाँ भून रहे हैं और अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। नमक भी हमने इसमें डाल दिया। अब सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून लीजिए। चाहे तो थोड़ा सा पानी डालिए भूनते वक्त ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएँ। तो देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से पकाना है, जब तक कि साइड से मसाला तेल ना छोड़े, यानी ऊपर से तरी आने तक हमने इसे भून लेना है। देखिए मसाले में अच्छी खासी तरी आ गई है और हमने इसे बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। और अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। जैसे ही मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा, ऊपर तरी आ जाएगी, तब आप इसमें 1/2 कप पानी ऐड कीजिए और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये तली हुई मछली और फिर आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। अगर आपको ये मछली क्रिस्पी चाहिए तो आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अगर आप नरम चाहते हैं तो आपने गैस का फ्लेम चालू रख के 2 मिनट के बाद बंद करना है। तो हमने देखिए हमें क्रिस्पी चाहिए इसलिए हमने गैस का फ्लेम मछली डालते ही बंद कर दिया। ऊपर से हमने हरा धनिया डाल देना है कट करके और फिर इस मछली को हमने सर्व कर देना है। तो बहुत ही बेहतरीन सी मछली बनकर तैयार हुई है। देखिए ये मछली क्रिस्पी है और ऊपर से स्पाइसी है। आप इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, स्टार्टर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई पतली ग्रेवी या दाल राइस के साथ आप साइड डिश के तौर पर भी इस मछली को बना सकते हैं। तो कहिए कैसी लगी रेसिपी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।